नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्ट्रॉलर ऑक्स पर। साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, वीकेंड पर आने से पहले हम सभी ट्रिप प्लान करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है इस प्लानिंग में हमारी कि हम कहाँ जा सकते हैं, दो दिन के लिए, एक दिन के लिए, जैसे वीकेंड होते हैं तो उसमें हम कहाँ जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा जो क्वेश्चन मार्क होता है। तो ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक ट्रिप लेके आया हूँ साथियों, जो कि आप बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से वो ट्रिप आप इंजॉय कर सकते हैं अपने वीकेंड पे या एक दो दिन की छोटी जो छोटी छुट्टियाँ होती हैं उस पे। तो हम सबसे पास में दिल्ली के अगर देखा जाए तो जो है वो ऐसी जगहों में आप अगर ऐसी जगहों की चर्चा करें तो हमारे को जो सबसे पहले ख्याल आता है साथियों वो होता है हमारा ऋषिकेश। तो स्पेशली अगर दिल्ली से बात करें तो यहाँ से ऋषिकेश ही है ऐसा डेस्टिनेशन जो काफ़ी पास में है और ये जो नेचुरल व्यूज़ हैं यहाँ पे उससे भी भरपूर है। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, मैं अभी नीड वाटरफॉल के पास आया हूँ यहाँ पे ऋषिकेश में, और ये यहाँ से टिकट काउंटर बना रखा है साथियों, यहाँ पे टिकट लेने के लिए मैं रुका हूँ और एक पर हेड 37 रुपये की है, अभी लेके पता चलेगा फाइनली। तो टिकट्स मैंने परचेज कर लिए साथियों और अपनी आगे की जो राइड है। तो वैसे मैं बताना चाहूँगा साथियों, ये जो नीर वाटरफॉल है, ये जो ऋषिकेश और केदारनाथ का हाईवे है, तो सॉरी ऋषिकेश और बद्रीनाथ का जो हाईवे है उससे करीब 5 से 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे ये झरना है। तो आपको बताना चाहूँगा साथियों कि बारिश के मौसम में ये और भी बहुत ही सुहावना लगता है यहाँ पे, और अगर आप वाटरफॉल का लुत्फ लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश से बढ़िया यहाँ पे कोई आपको दूसरी डेस्टिनेशन नहीं मिल पाएगी दिल्ली के आसपास में। वैसे तो ऋषिकेश में बहुत सारे कई सारे छोटे छोटे और बड़े वाटरफॉल्स हैं जिनकी खूबसूरती बारिश के समय में साथियों दोगुनी हो जाती है। जो बारिश के टाइम में जो फॉल्स होते हैं, मतलब वहाँ की ग्रीनरी और जंगल की जो खूबसूरती होती है उसकी वजह से काफ़ी बहुत चार चांद लग जाते हैं साथियों। तो ऐसे ही जो मैं अभी जो वाटरफॉल पर आ रहा हूँ, ये नीर वाटरफॉल है और इसके बारे में बताना चाहूँगा साथियों, ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि हाईवे से ये करीब 4 से 5 किलोमीटर है, या तो दोनों ही ऑप्शन हैं इसमें, या तो आप पैदल चल के आ सकते हो, अदरवाइज़ आप हालांकि व्हीकल भी आ सकते हैं, लेकिन व्हीकल से आने के बाद भी करीब हमें 1 किलोमीटर 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर की तक की ट्रैकिंग हमें अपने आप से करनी पड़ती है, क्योंकि जो अभी आप देखेंगे आगे कि क्यों करनी पड़ती है वो आपको बाद में बताने वाला हूँ मैं। काफ़ी जाम लगा हुआ है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ऐसा यहाँ पे जो काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, एक हॉट डेस्टिनेशन है साथियों, यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती है। हमने बाइक को यहीं पे अपनी रोक दी है करीब 1 किलोमीटर पहले ही, और यहाँ से हम पैदल ही ये फॉल वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। सामने आप पहाड़ी देख पा रहे हैं साथियों, इसी पहाड़ी पर हमारा जो वाटरफॉल है वो है। तो नीर वाटरफॉल ऋषिकेश का साथियों सबसे बड़ा फॉल है और इसे नीरगढ़ वाटरफॉल भी कहते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो गर्मियों के मौसम में इसे देखने और एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ का जो नेचुरल व्यूज़ हैं तो वो ब्यूटी है जो कह सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी, वो टूरिस्ट को बहुत ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है साथियों। और यहाँ आप झरने जो हैं, यहाँ का जो झरना है साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, कई पार्ट्स में है और उसका एक पार्ट आप सामने देख सकते हैं साथियों। यहाँ पे ये पुल बना रखा है और यहाँ से इसके दोनों तरफ जो टूरिस्ट हैं वो एंजॉय करते हैं, ठंडा पानी आप देख पा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था पीछे साथियों कि ये कई पार्ट्स में है। तो ये देखिए, ये ऊपर का था व्यू और ये नीचे का है। तो ऊपर और नीचे मतलब जो टूरिस्ट हैं वो मतलब हर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमने भी यहाँ पे नहाने का सोचा, लेकिन फिर हमें किसी ने बताया कि अगर हम ऊपर और ट्रैक करेंगे लगभग 500 से 1 किलोमीटर के करीब समथिंग, हम अगर हम ऊपर ट्रैक करेंगे साथियों तो मतलब ये जो पानी है, जो इसका मेन सोर्स है जहाँ से ये पानी निकल के आ रहा है, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे।
तो मुझे लगा कि नीचे नहाने से अच्छा रहेगा कि हम ऊपर जो मेन सोर्स है वहाँ पे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके कमेंट वाले सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी जो राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। साथ झरने के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे मैंने लोकल लोगों से पता करी तो मुझे पता चला ये बेसिकली ये नीरगढ़ का झरना कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि ये झरने ऋषिकेश और बद्रीनाथ राजमार्ग पर ये करीब 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर मतलब ऊंचाई पर स्थित हैं। और यहाँ टूरिस्ट पास में बहने वाली ठंडी धारा में स्नान कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोगों को एंजॉय करते हुए साथियों। तो झरने के पास पुल भी बने हुए हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा साथियों, और आसपास इनकी दुकानें भी हैं जहां पे मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए चीज़ें मिल सकती हैं, आप अपनी थकान मिटा सकते हैं। और रास्ता जो मैं आपके रास्ते की बात करूं तो साथियों रास्ता बहुत पथरीला और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है काफ़ी साथियों। और आप 500 मीटर चलने पे ऐसा लग जाता है कि हम जैसे 2-3 किलोमीटर चल के यहाँ पे वॉक करके आए हुए हों। मैदानी में हम 2-3 किलोमीटर नॉर्मली चल लेते हैं साथियों और थकान का एहसास नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक एक कदम जो होता है वो बढ़ाना पहाड़ पे और इस जंगल में मतलब अपने आप में भारी होता है, होता जा रहा है हमारे कुछ बेसिकली। हालाँकि यहाँ पर काफ़ी अभी क्राउड है तो मतलब लोग चल रहे हैं तो उससे मतलब इतना थकान का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन साथियों जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो मतलब क्राउड भी कम हो रहा है। और आई होप कि ऊपर हमें पानी भी और जो वाटरफॉल है वो भी साफ़ और जो डेस्टिनेशन जगह है वो भी साफ़ मिलेगी हमें। आप देख पा रहे हैं ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं टूरिस्ट की जो संख्या है वो बहुत कम हो रही है, लोग बहुत कम हमें नज़र आ रहे हैं। तो इनके ऊपर पुल बने हुए हैं और दुकानें आसपास हैं इन झरनों तक पहुंचने के लिए। टूरिस्ट को हमें ट्रैकिंग करनी ही पड़ेगी साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और शायद ये जो इसका जो नेचुरल पाथ है और जो जंगल हैं इसकी वजह से शायद इसकी खूबसूरती शायद मेरी नज़रों में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं साथियों ये। और आपको साथ में बता दूं साथियों यहाँ पे जैसे प्री वेडिंग्स या वगैरह या कोई इवेंट जो नेचर लवर हैं या जंगल लवर हैं, मैं क्योंकि बेसिकली एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ तो मैं एक फ़ोटोग्राफ़र के नज़रिए से ही देखना चीज़ों को पसंद करता हूँ साथियों। तो आपको बताना चाहूँगा आप तो प्री वेडिंग्स या और कोई जैसे शौकिया तौर पर आप जंगल शूट करना चाहते हैं या नेचर शूट करना चाहते हैं, सनसेट सनराइज शूट करना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगहों पे मतलब बेसिकली आ सकते हैं साथियों। काफ़ी सेफ भी है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लगातार बने रहते हैं और तो मतलब क्राउड भी ठीक ठाक ही रहता है साथियों। हालांकि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जंगल में भीड़ नहीं है, मतलब काफ़ी खाली और सुनसान भी है ये। और आप देख पा रहे हैं कैसे मतलब हमें चढ़ना पड़ रहा है, पकड़ पकड़ के चट्टानों को आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत ही खड़ी है और गिर जाने का और मतलब बहुत डर मतलब बना हुआ रहता है साथियों। तो काफ़ी नुकीली चट्टाने हैं और ऐसे देखो ये चट्टाने एक दूसरे के ऊपर रख के बनाई है तो इनका स्लाइड का भी खतरा बना रहता है कि कहीं बेसिकली मैं बताऊं मैं आपको साथियों मैंने देखा कई जगह कि अभी चढ़ाई मतलब मैं इससे पहले एक दो वाटरफॉल पे गया था तो वहाँ पे मैंने लैंडस्लाइड्स भी देखी। मैं नीलकंठ गया था तो उस रोड पे जो स्लाइड्स हो रही थी उस समय बेसिकली यहाँ पे स्लाइड हो रही थी। तो ये बरसात के मौसम में एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, ये वाटरफॉल हमें रास्ते में दिख रहा है लेकिन हमें इससे हमारा जो डेस्टिनेशन है वो इससे भी ज़्यादा ऊपर है। आप ये देख सकते हैं बीच में ये भी एक धारा है और यहाँ पे भी अब हम इंजॉय कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे काफ़ी कम टूरिस्ट दिख रहे हैं, बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे भी हम इंजॉय कर सकते थे लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर पीक पर जाएंगे तो वहाँ पे हम और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे और इंजॉय कर सकेंगे अपनी इस
ट्रिप को। तो मैं आपको बता रहा था साथियों, जब भी आप बरसात के मौसम में भी स्पेशली आप ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे आएँ, तो ये हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन था, पीक डेस्टिनेशन नियर वाटरफॉल का, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं साथियों कि पानी मतलब बहुत ही कितना साफ़ सुथरा है, ये बहुत साफ़ सुथरा नीला नीला सा पानी दिख रहा है, ब्लू, और सामने झरना भी दिख रहा है। और जो सन का ग्लेयर है साथियों, मतलब अभी सूरज हमारे काफ़ी सर पे है, करीब दिन के 2 से 3 बज रहे हैं, आप सूरज देख सकते हैं, तो वो भी सूरज भी बहुत तगड़ा सा चमक रहा है साथियों। और मुझे लगता है यहाँ पे हम नहा के हमें बहुत अच्छा लगने वाला है और हम अपनी ट्रिप को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है साथियों, क्योंकि पानी भी साफ़ है और मौसम भी बहुत मतलब धूप है तगड़ी सी अभी। और वो जो वाटरफॉल है वो भी बहुत ही मतलब शानदार लोकेशन मुझे ओवरऑल नज़र आ रही है साथियों, और जो व्यूज़ हैं वो जंगल के बीचों बीच में दिख रहा है मुझे साथियों। तो इसके थोड़ा सा और इसकी जानकारी देना चाहूँगा साथियों, तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो झरने को के पास यहाँ पे आना, यहाँ तक आना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में यूनिक सी लोकेशन मुझे नज़र आ रही है। और जो मैंने बाड़ी, ये जो नीचे वाला वाटरफॉल है उससे करीब ये 500 मीटर ऊपर पड़ता है, तो बेसिकली हमने अपना बैग रखा और कपड़े उतारे और हम इंजॉय करने के लिए अपनी ट्रिप को जा रहे हैं साथियों। और आपको पानी मैं बताता हूँ कैसा लग रहा है यहाँ पे, वैसे देखने में काफ़ी साफ़ और बहुत ठंडा लग रहा है, तो ऑसम साथियों, बहुत बढ़िया है और साफ भी है और पी भी सकते हैं। हमने जिस झरने के पानी को साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, झरने के पानी को हमने पिया भी और मतलब हमने यहाँ पे गरम मैगी भी खाई, इंजॉय की, तो बहुत अच्छा लगा साथियों। और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद पानी जो ऊपर से आ रहा है साथियों, बिल्कुल सफ़ेद लग रहा है एकदम दूध के जैसा, और नीचे भी पानी जो है बहुत साफ़ सुथरे फॉर्म में है। हालांकि नीचे लोग स्नान मतलब नहा रहे होते हैं तो इतना अच्छा प्योरिटी नहीं रह जाती इस पानी की, लेकिन जो ऊपर से आ रहा है साथियों, क्योंकि ये टॉप जो पीक स्टार्टिंग लेवल है, जो झरने का पीक है, वो हम वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है और इसको हम पी भी सकते हैं। तो साथियों बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे, और हमने बहुत इन्जॉय किया, कई घंटों तक इन्जॉय किया साथियों। और उसके बाद हम बहुत इस मतलब बहुत प्यारी जगह को हम छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था हमारा, लेकिन बहुत खूबसूरत है, एक शाम बिताना चाहता था, लेकिन साथियों मुझे वापस दिल्ली आना है, तो मतलब मुझे ज़रूर निकलना पड़ा, बहुत लेकिन निकलते हुए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर एक मन में रहा कि मैं फिर जल्दी यहाँ पे आऊँगा, और ऐसे ही इच्छाओं के साथ यहाँ से निकलना पड़ा मुझे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके कमेंट वाले सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी जो राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी साथ। उसके बाद अब साथियों काफ़ी टाइम हो गया मुझे घर से निकले हुए, घर की याद आ रही थी, मेरे कुछ कस्टमर क्लाइंट्स भी थे जो कि मुझे याद कर रहे थे और उनके काम मुझे देने थे, तो बेसिकली मुझे आना पड़ा साथियों मजबूरी में। और इस बहुत ही मतलब अच्छी ट्रिप का आप देख सकते हैं कितनी सुनहरी, मतलब बहुत ही अच्छी शाम में, अच्छी शाम लग रही है मुझे, अपनी ट्रिप को ख़त्म करना पड़ रहा है साथियों, लेकिन जितनी अच्छी मेरी ट्रिप रही उतनी अच्छी मेरे को अपनी वापसी भी लग रही है साथियों। आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल खाली खुली हुई सड़कें, एकदम हाईवे है, दिल्ली और हरिद्वार हाईवे है ये, मेरठ हरिद्वार हाईवे है ये, तो उस पर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ साथियों, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी फ्रीली मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी जो हमारी गुजर रही है शाम वो है। तो आप लोगों को बेसिकली मैं बताना चाहूँगा साथियों, अगर आपको कभी यहाँ पे ऋषिकेश आना चाहें तो ऋषिकेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़, गंगा नदी और यहाँ का जो मौसम है उसके लिए बहुत फेमस है साथियों। यहाँ पर देश से विदेश से और बड़ी दूर से मतलब जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और ये हिल स्टेशन युवा मतलब जो यूथ्स हैं और जो
तो उनके बीच में काफ़ी फेमस है साथियों, यहाँ पे आप राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं और गंगा नदी जो है यहाँ पे बीच, वहाँ पे योगा और मेडिटेशन वगैरह की क्लासेस भी आप लोग ले सकते हैं। तो फाइनली साथियों, आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा, आप काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है हमारा, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ अगर अभी तक तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक और कमेंट से साथियों, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके कमेंट वाले सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी जो राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी साथियों। तो इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलूँगा जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।